Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मानिक इंजन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, मानिक इंजन को डेवलप कर रही है जीडीआरई, जो कि डीआरडीओ की एक लैब है। और इस इंजन को स्पेशली डेवलप किया जा रहा है सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए, जो कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स में यूज होंगी और स्पेशली इंडिया के निर्भय क्रूज मिसाइल के लिए डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जब लास्ट टाइम निर्भय को टेस्ट किया गया था, तब उसमें टर्बोजेट इंजन लगा के टेस्ट किया गया था। और इस टेस्ट के दौरान निर्भय क्रूज मिसाइल ने तकरीबन 650 किलोमीटर की दूरी तय की थी और उसको तय करने में उसने 50 मिनट ले लिए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे इसके प्रीवियस टेस्ट के मुकाबले, जिसमें इसने 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की थी तकरीबन 15 से 20 मिनट में। सो उस मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी गिर चुकी थी जब इसमें टर्बोजेट इंजन लगाया गया था। वैसे बताया गया था कि टर्बोजेट इंजन लगाने के बहुत सारे उस टाइम रीजन थे, जैसे कि जो टर्बोफैन इंजन्स रशिया ने इंडिया को सप्लाई करना था, वो एनपीओ सैटन द्वारा निर्मित 36 MT टर्बोफैन इंजन, उसके सप्लाई में कहीं न कहीं डिले हो गया था। और दूसरी तरफ हमारा अपना इंडिजिनस मानिक इंजन उस टेस्ट के दौरान डेवलपमेंटल फेज में था, जिसकी वजह से डीआरडीओ को टर्बोजेट लगा के निर्भय को टेस्ट करना पड़ गया। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक क्विक रेफरेंस दे देता हूँ टर्बोजेट और टर्बोफैन इंजन क्या होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टर्बोजेट इंजन की। टर्बोजेट इंजन वही इंजन्स होते हैं जो कि आपने फाइटर जेट्स वगैरह में देखे होंगे। इन इंजन्स में जो एयर इंटेक होता है, उनके स्पेस काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से एक क्लोज्ड एयर का इंटेक लिया जाता है और उसके बाद इस एयर को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज में कंप्रेस किया जाता है। और इन इंजन में एयर को हाईली कंप्रेस किया जाता है, फिर जाके उसे कंप्रेशन चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंप्रेस्ड एयर को बर्न किया जाता है और काफ़ी रैपिड बर्निंग होती है वहाँ पे। और उसके बाद जो एयर और फ्यूल बर्न हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी और स्पीड कहीं ना कहीं 0.5 मार्क से 0.8 मार्क के बीच में होती है उनकी स्पीड। और उनका टेम्परेचर 2100 डिग्री के आसपास होता है। और इतने हाई टेम्परेचर और स्पीड के साथ ये जो एयर टर्बाइन पे जाकर टकराती हैं, तो वो टर्बाइन को रोटेट करती हैं और उसके बाद ये रीहीट में जाती हैं और फिर नोजल से बाहर निकल जाती हैं। तो जो इसमें बाईपास एयर होता है, वो काफ़ी लो बाईपास एयर होता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप टर्बोफैन की बात करते हो, तो टर्बोफैन में जो इंटेक एयर का स्पेस होता है, वो काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी बड़े एरिया में एयर का इंटेक लिया जाता है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एयर को बाईपास कर दिया जाता है, जो कि इंजन के केसिंग के ऊपर से जाते हैं। और यही बाईपास एयर्स जो कि इंजन के केसिंग के ऊपर से जाते हैं, वो इन इंजन्स को हेल्प करते हैं लेस नॉइजी बनाने में, क्योंकि जब एयर का कंप्रेशन हो रहा होता है कंप्रेसर्स में, तो वहाँ एयर कुछ ज़्यादा ही नॉइज क्रिएट करते हैं और उन्हीं नॉइज को ये ऊपर से बाईपास हो रहे एयर्स कम करने में हेल्प करते हैं। और वैसे भी टर्बोफैन इंजन्स में जो कंप्रेशन स्टेट होता है, वो काफ़ी लो ग्रेड का होता है एज कम्पेयर टू टर्बोजेट इंजन्स। और जब इसके एयर कंप्रेस होकर कंप्रेशन चैम्बर की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो एयर का रिलीज है कंप्रेशन चैम्बर में, वो एट अ लो प्रेशर किया जाता है एज कम्पेयर टू टर्बोजेट इंजन्स, और जिसकी वजह से उतना एक्सट्रीम हीट और स्पीड क्रिएट नहीं होता है। और ये इंजन्स लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस को एक सबसोनिक स्पीड में कवर करने के लिए ज़्यादा आइडियल माने जाते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, वो सभी टर्बोफैन इंजन्स पे चलते हैं, चाहे वो अमेरिकन टोमाहॉक हो या फिर पाकिस्तानी बाबुर मिसाइल हो, तो ये सारे टर्बोफैन इंजन पे चलते हैं। टर्बोजेट इंजन को इसलिए इन क्रूज मिसाइल्स में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये ज़्यादा फ्यूल लेते हैं और एक लंबे समय के लिए सबसोनिक स्पीड में रहने के बाद इनकी लाइफ डिग्रेड हो जाती है। और ये इंजन सबसोनिक स्टेट में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं, जो कि कतई आइडियल स्टेट नहीं है किसी भी क्रूज मिसाइल के लिए। वैसे तो चाइनीज अपने C-802 एंटीशिप सबसोनिक क्रूज मिसाइल में टर्बोजेट इंजन ही यूज करते हैं, क्योंकि इन इंजन्स को आप यूज कर सकते हो एक शॉर्टर डिस्टेंस के लिए और उस मिसाइल की रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे मिसाइल के लिए आप यूज कर सकते हो टर्बोजेट इंजन, लेकिन एक लॉन्गर रेंज में ज़्यादा समय के लिए सबसोनिक स्पीड में रहने के लिए टर्बोफैन इंजन्स आइडियल होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया का मानिक इंजन इतना स्पेशल क्यों है। तो मानिक इंजन डेवलप कर सकता है 4.68 किलोन्यूटन का थ्रस्ट। बात कर लेते हैं मानिक के पावर टेक ऑफ की। तो पावर टेक ऑफ वो चीज़ होती है जो कि आपको एज अ सेकेंडरी पावर के रूप में मिलती है, जैसा कि हमने बात किया था SFDR के केस में, जहां पे ब्लीड ऑफ बर्नर का यूज किया गया था। तो सिमिलरली यहां पे भी एक ऐसे ही एयर फ्लो को यूज करके एक्स्ट्रा पावर जनरेट की जाती है, जो कि तकरीबन ये देने वाला है 3 किलोवाट तक। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की मानिक इंजन की। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन वो चीज़ होती है कि आप एक घंटे में अगर इतने किलो फ्यूल कंज्यूम कर रहे हो, तो उसी एक घंटे में आप उतना फ्यूल लेके आपने कितनी पावर दी है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो इस केस में मानिक इंजन, अगर आप मानिक इंजन को बहुत ही रफ यूज करने वाले हो, इसे टॉप स्पीड पर ले जाओगे,
तब इसका जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा और वो तकरीबन 19:20 का है, मतलब 19 किलोग्राम फ्यूल लेके 20 किलोवाट की पावर आपको देगा। वहीं पे इसको ऑप्टिमली चलाओगे तो इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, तो ये इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है। अब बात कर लेते हैं मानिक इंजन के बाईपास रेशियो की, तो मानिक इंजन कम से कम 50% एयर बाईपास कर सकता है जो कि इसके इंजन को कूल करेगा और इंजन की जो नॉइज है उसको रिड्यूस करेगा। तो इसका जो बाईपास रेशियो है वो 50% एयर को बाईपास करने में भी सक्षम है और 5% एयर को भी बाईपास करने में सक्षम है। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह के टास्क परफॉर्म करने में सक्षम होगा बाईपास के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं मानिक इंजन के एयर मास फ्लो रेट की, जो कि एक सेकेंड में कितने किलोग्राम इसके इंटेक के थ्रू फ्लो किया जा सकेगा या फिर कंप्रेशन के बाद कंबसन चैम्बर में फ्लो किया जा सकेगा। तो इसका रेशियो कहीं ना कहीं 11 से लेकर 0.4 के बीच में वेरी करेगा, जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है किस तरह से इस इंजन का यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं साइकिल प्रेशर रेशियो की, तो इसका साइकिल प्रेशर रेशियो कहीं ना कहीं 8 से नीचे रहने वाला है, मतलब एयर का इनिशियल प्रेशर 1 बार है तो जो इसका फाइनल प्रेशर होगा नोजल की तरफ वो 8 बार के आसपास होगा। ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये इंजन अपने आप में ही एक परफेक्ट चॉइस है किसी भी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को रन करने के लिए, और हम आशा करते हैं आने वाले टेस्ट में निर्भय क्रूज मिसाइल इस इंजन पे टेस्ट किया जाए और जो इसकी तय रेंज है तकरीबन 1500 किलोमीटर की उसको एक अच्छे खासे टाइम में जल्द से जल्द अचीव करे। तो आज के इस मानिक इंजन के डिफेंस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।